सप्लाई वोल्टेज ऑफ रूम इज 120 वोल्ट, मेरे घर में वोल्टेज सप्लाई 120 वोल्ट है, और जो तारें कनेक्ट हो रही हैं, वायर जो है वो 6 ओम की है। 60 वॉट बल्ब इज ऑलरेडी स्विच्ड ऑन, मेरे घर में 60 वॉट का बल्ब तो चल रहा है 120 वोल्ट सप्लाई पे। व्हाट इज डिक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब, बल्ब को कितने वोल्ट दिया था मैंने 120 विद रेजिस्टर 6 ओम, कह रहे बताओ कितनी वोल्टेज गिर गई बल्ब की जब मैंने 240 वॉट हीटर को पैरेलल में लगा दिया इस बल्ब के साथ। तो पहले अकेला बल्ब था, अब बल्ब के साथ कौन है, हीटर भी है, राइट? तो रूल नंबर वन, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो प्लीज एकदम मत स्टार्ट करें, पहले पहला काम रेजिस्टेंस निकाल लें। बल्ब को, बल्ब कितने वॉट का है, 60 वॉट का, जब कितने वोल्ट पे चलता है, 120 पे। हीटर जो है वो 120 पे कितने वॉट देता है, 240 वॉट। सबसे पहला काम रेजिस्टेंस निकालना, ये तो निकालनी निकालनी है। तो सबसे पहले R1 is V square over P से क्या आ गई, R1 आ गया, ऐसी क्या आ गया, R2 आ गया, तो R1 R2 आ गया। अब केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में अकेला बल्ब लगा हुआ है, बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है 240 और वायर की रेजिस्टेंस कितनी है 6 और ये कितना 120। तो इसको V, इसके पास वोल्टेज कितनी है, 120 तो होगी नहीं, 120 से कम होगी क्योंकि कुछ वोल्टेज ये भी तो लेगा, तो कितनी होगी, पहले इसमें करंट निकालो। करंट क्या होगा, 120 डिवाइडेड बाय 240 प्लस 6 आ गया करंट। ओम लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू 240, तो ये आई इंटू 240, इतने वोल्ट बल्ब को मिली हुई थी पहले। तो ये गलती मत करना कि 120 वोल्ट मिली हुई है, क्योंकि 120 वोल्ट नहीं मिलेगी क्योंकि साथ में रेजिस्टेंस आर भी कनेक्टेड है, तो वोल्टेज आ गई। अब वो कह रहा है कि सेकंड केस में मैंने पैरेलल में लगा दिया एक हीटर, तो पैरेलल में लगने के बाद 48 वोल्ट आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर से नया करंट निकालो, 120 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 6, तो इसके अंदर वोल्टेज क्या आएगी, आई इंटू 48, जो भी यहां होगा वो भी इन दोनों के पास भी होगा क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो द्वारा से निकाल लो आई इंटू 48। तो पहले वोल्टेज 117 पॉइंट समथिंग है, 106 डिग्रीज कितनी हुई, दोनों को क्या कर लिया, माइनस आंसर आ गया।